समझना जरा। सबसे पहले तो हम देखें कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है। कोरियोलिसिस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो साइन ऑफ लैटिट्यूड इनटू वेलोसिटी ऑफ विंड्स, इन दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा होगा तो कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक, या साइन ऑफ लैटिट्यूड ज्यादा होगा तो कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। थोड़ी देर के लिए हम वेलोसिटी ऑफ विंड को मान लें कॉन्स्टेंट, मान लिया कि पूरी पृथ्वी पर विंड की वेलोसिटी लगभग कॉन्स्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में आपके कोरियोलिसिस फोर्स किस पर डिपेंड कर गया, साइन ऑफ लैटिट्यूड पे। अब साइन ऑफ लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिसिस फोर्स हो गया साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री पे कोरियोलिसिस फोर्स हो गया साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री पे कोरियोलिसिस फोर्स हो गया साइन 45 डिग्री, और 90 डिग्री पे कोरियोलिसिस फोर्स हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक। तो आप सभी को पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन 90 की जो 1 वैल्यू होती है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक से ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि लैटिट्यूडनल साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू बढ़ाएगा, और कोरियोलिसिस फोर्स ही विंड के अंदर डेविएशन क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर विंड में डेविएशन लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां याद रखना, यह है इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर चूंकि कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक, तो इसका मतलब आपके इक्वेटर के ऊपर विंड्स के अंदर कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यही कारण होता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं उन रीजन में कभी भी आपके साइक्लोन नहीं आते, क्योंकि वहां कोरियोलिसिस फोर्स होता है 0, और साइक्लोन के लिए आपके विंड का क्या करना जरूरी है, डेविएट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां याद रखना, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ। अब यहां देखना, इस वाले हाई प्रेशर से 0 डिग्री के लो प्रेशर की तरफ ट्रेड विंड चल रही है, यहां से भी चल रही है, तो ये 30 से तो आपके कोरियोलिसिस फोर्स के प्रभाव में डेविएट होंगी, लेकिन जैसे ही ये 5 के आसपास आएंगी कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू तेजी से, तो इसका मतलब इनका जो डेविएशन है वो डेविएशन खत्म हो जाएगा और ये हवाएं सीधी हो जाएंगी, ठीक, और इस रीजन में आके आपके ये सीधी होके क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होके ऊपर उड़ जाएंगी, ठीक। तो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का आपके वह क्षेत्र जहां हवाएं कोरियोलिसिस फोर्स की एब्सेंस के कारण क्या हो, डेविएट होना बंद कर दें, शांत तरीके से ये मिलकर ऊपर उड़ जाए, ठीक, यही क्षेत्र आपके कहलाता है क्या, डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम का मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का क्षेत्र, ठीक। इस रीजन में आपके जो हवाएं होंगी तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो, तो डोल्ड्रम ये कौन सा रीजन है, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का रीजन। इस रीजन में चूंकि कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल होने के कारण विंड का जो डेविएशन होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और विंड बड़े शांत तरीके से यहाँ फ्लो करेंगी, ठीक, और कोरियोलिसिस फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल होने की वजह से डोल्ड्रम वह क्षेत्र होगा जहां कभी साइक्लोन नहीं आएंगे, ठीक। सबसे पहला तो ये देखा हमने, अब आते हैं इससे आगे, अब एक पॉइंट और समझना। अब आपने देखा 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, ठीक, कौन सी विंड फ्लो करती है, 30 से 60 वेस्टर्ली, ठीक है। अब यहां देखना, ये जो आपके वेस्टर्ली विंड है ये 30 से शुरू करेगी और कहां तक जाएगी, ये 60 तक जाएगी,
वेस्टरली का फ्लो कुछ इसी टाइप का है, ऐसे ही जाएगी ना वेस्टरली, एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले होता क्या था पुराने टाइम में, जब तक मैकेनिकल इंजन्स नहीं बने थे आपके, ठीक, तो पुराने टाइम में आपके घोड़ों का व्यापार होता था। किसका व्यापार? हॉर्स का, ठीक। तो घोड़ों का व्यापार क्या होता था, ये घोड़े आपके बड़ी बड़ी नाव में आपके लाद के, ठीक, और उन नाव को आपके जो चादरें लगा दी जाती ना, जो हवा के सारे जो नावें चलती थी, हवा के सारे उन नावों को चलाया जाता था, ठीक है। तो आपके सिस्टम ये हुआ, मान लिया कि कोई प्लेस ए है, इस ए प्लेस से किसी नाव को आपके जाना है किसी प्लेस बी पर, ठीक है, और ये नाव आपके जाए किसके सारे, हवा के सारे। तो क्या कभी संभव है कि हवा के सारे ये ए से बी पर पहुंच जाए? क्यों? क्योंकि ये तो हवा सीधी चलेगी नहीं, हवा तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इस नाव को उठा के यहां ले आएगी, यानी कि जाना तो इसे बी पर है लेकिन ये हवा पहुंचा देगी इसे कहां, सी पर। तो अब होता क्या था कि पुराने टाइम में ये होता था कि आपके नावों में जाते थे घोड़े भर के, ठीक है। अब जैसे ही ये नाव 30 डिग्री से 40 डिग्री पे पहुंचेगी, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो आपके हवाओं का डेविएशन, तो नाव अपने पाथ से हटेगी। नाव अपने पाथ से जब हटेगी तो जो आपके नाव चलाने वाले होंगे ये नाव को वापस अपने पाथ पे लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो इस प्रयास के क्रम में अब आपके ये करेंगे क्या करेंगे, ये कि मान लिया कि इस नाव में 100 घोड़े जा रहे हैं, 100 घोड़े में से 10 घोड़े उतार देंगे समुद्र में, ठीक, और उनसे कहेंगे तुम तैर के आओ तब तक हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो 10 घोड़े पीछे से स्विंग करते हुए आ रहे हैं और ये 90 घोड़े लेके नाव आगे जा रही है, ठीक है। अब ये 40 से 50 पे नाव पहुंची, डेविएशन और बढ़ गया, तो 10-20 घोड़े और उतारे, उनसे कहा कि पीछे वाले भी आ रहे होंगे तुम भी तैरना शुरू करो, ठीक। यानी कि इन घोड़ों को आपके धीरे धीरे क्या कर दिया जाएगा, इन घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाएगा। क्यों फेंक दिया जाएगा? क्योंकि नाव को अपने पाथ पर बना के रखना है, और 60 डिग्री के आसपास तो आके ये डेविएशन और बढ़ जाएगा, तो और 10-20 घोड़े उतार दिए जाएंगे नाव से नीचे, ठीक। तो आपके घोड़े उतारने की इसी घटना की वजह से इस 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री का जो नाम पड़ गया वो हो गया हॉर्स लैटिट्यूड। इसी को कहते हैं अश्व अक्षांश। कौन सा अक्षांश? अश्व अक्षांश। क्या बता रहे हैं? अभी रुक जाओ। अब अश्व अक्षांश, इसमें से आपके ये जो 40 डिग्री जो आपके अक्षांश है इसे कहते हैं फ्यूरस 40, चीखता 40। पचास डिग्री इस अक्षांश को हम कहते हैं दहाड़ता 50। सिक्सटी डिग्री तो 40 डिग्री ये हॉर्स लॉटिट्यूड कहलाता है, फ्यूरस 40 यानी चीखता 40, 50 डिग्री रोरिंग 50 दाड़ता 50 और 60 डिग्री श्रिंकिंग 60 गरजता 60। और ये सारे के सारे हॉर्स लैटिट्यूड आपके कहाँ हैं? साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक। साउथ हेमिस्फीयर में क्यों है? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में घोड़ों के व्यापार के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर तो पूरा आपका जुड़ा हुआ है, ठीक। इसीलिए हमेशा किस हेमिस्फीयर में होते हैं? साउथ हेमिस्फीयर में,